हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और क्या आपको बताया, रिसेंटली रिसर्चर्स ने एक ऐसी जानवर की प्रजाति खोज निकाली है जो खुद से खुद की ही जान ले लेता है। मतलब बॉस, जानवर कब से सुइसाइड करने लगे? कौन सी है ये जानवरों की प्रजाति, पूछता है भारत। और हाँ, भारत से याद आया, अपने यहाँ तो एक ट्यूशन ऐसा भी है जहाँ पूरे साल की फीस सिर्फ 2 रुपीज है। शॉक्ड? ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। वेल, शॉक तो अब आप होंगे जब मैं आपको बताऊंगा कि नल्लागिरी यानी कि कुछ ना करने का भी जबरदस्त धंधा है, जहाँ एक ऐसा ही बंदा है जो सिर्फ पॉकेट में बैठने के लिए भर भर के पैसे लेता है। और इतना ही नहीं, एक किसान ने तो खुद का अपना ही एक देश खुद ही बना लिया है, जहाँ इस वक्त वो गवर्नमेंट के खिलाफ जाकर राज कर रहा है। तो चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब फ्रेंड्स इन आवर टुडेज वीडियो टाइटल्ड ग्रेट एपिसोड्स ऑफ फैक्ट की बातें। नंबर 1, कोविड वेडिंग कार्ड। क्या आपने कभी कोविड स्पेशल वेडिंग देखी है? अगर नहीं तो मैं दिखाता हूँ ना, क्योंकि अब दुल्हा दुल्हन के ड्रेस मैचिंग मास्क के साथ साथ कोरोना स्पेशल कार्ड्स भी आ गए हैं। यकीन नहीं होता तो ये देखो, ये है दुनिया का फर्स्ट कोविड स्पेशल वेडिंग कार्ड, दैट टू विद अ क्यूआर कोड। मतलब ऐसा शायद पहली बार हुआ होगा कि शादी के कार्ड में किसी ने क्यूआर कोड छपवाया है। और इस क्यूआर कोड को छपवाने का मेन मकसद ये है कि अगर कोई कंजूस मक्खी चूस फूफा या मक्कार मौसाजी 6 फीट दूरी बनाए रखने का एक्सक्यूज करे, पैसे बचाने की निंजा टेक्निक अपनाए, तो उनके प्लानिंग में पानी फेर देने के लिए ही इस कांड का इन्वेंशन हुआ है। यानी अगर आप शादी में आए या भाड़ में जाए, आशीर्वाद के रूप में पैसा तो दूल्हा दुल्हन को ही मिलना चाहिए। वैसे ये कंजूस रिलेटिव से पैसा निकलवाने का कारनामा मदुराई के एक कपल ने किया है, जिनका एक और मेन मकसद कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने का था। मतलब हाँ सही है ना, मेहमानों को कैशलेस ट्रांजैक्शन के चक्कर में अपने अकाउंट से कैश ट्रांसफर करके आखिरकार कैशलेस होना ही पड़ा है ना। नंबर 2, यूट्यूब ने बनाया हैकर। अब हाय लोग, ये लॉकडाउन प्लस सस्ता जियो 4G नेट प्लस बेरोजगारी के इस अनोखे तिगड़े कॉम्बो ने एक 8वीं फेल लड़के को 400 लड़कियों को दिन दहाड़े लूटने के लिए प्रोत्साहित किया। और इस लड़के को गाइड करने वाला और कोई नहीं बल्कि अपना यूट्यूब था। तो हुआ यूं कि लॉकडाउन में इस यूपी के लखनऊ के 8वीं फेल बंदे विनीत मिश्रा ने जियो का सस्ता नेट वापर के यूट्यूब बाबा जिंदाबाद बोल के यूट्यूब से सस्ता मस्ता हैकिंग ज्ञान बटोरने लगा। और फाइनली अपनी इस फ्री की शिक्षा का उपयोग उसने सोशल मीडिया पर 400 लड़कियों का अकाउंट हैक करके किया। और पता है हैकिंग के बाद उसने क्या किया? उन बेचारी लड़कियों को उनके अश्लील पिक्चर्स भेजकर उन्हें पैसों के लिए ब्लैकमेल करने लगा। और उन मंद लड़कियों ने भी लोग क्या कहेंगे इस डर के मारे उसे उसकी मुंह मांगी फिरौती दे डाली। लेकिन फ्रेंड्स, वो कहते हैं ना, आधा अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है सेहत के लिए। तो बस वैसे ही हुआ इस हैकर बाबा के साथ। हैकिंग तो सीख ली, लेकिन पकड़े जाने से कैसे बचा जाए, ये भाई साहब को यूट्यूब पर किसी ने ये तो नहीं सिखाया। इसीलिए जब कुछ लड़कियों ने इसकी कंप्लेंट की तो बहुत ढूंढे जाने के बाद ये बंदा पकड़ा गया। और अब ये जेल में बैठकर चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग कर रहा है। नंबर 3, नल्ले का नल्लागिरी वाला धंधा। अब यारो, क्या आपने किसी बंदे को कुछ ना करने के लिए हायर किया है या किसी को एक नल्ला हायर करते हुए देखा है? मतलब इतने पैसे किसके पास है भाई जो सिर्फ खाली बैठने के लिए किसी को पे करे? लेकिन जापान के टोक्यो शहर में एक ऐसा नल्ला बंदा है जिसने इस 5-स्टार एड की टैगलाइन डू नथिंग को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया, लेकिन विद अ स्लाइट ट्विस्ट, डू नथिंग एंड अर्न फ्रॉम इट। कुछ समझे? शुरुआत में तो ये बंदा कुछ ना करने का कुछ ना चार्ज करता, पर जैसे ही जैसे लोगों के बीच ये पॉपुलर होने लगा, इसने चार्ज करना शुरू कर दिया। क्या बेचारे? और भाई, इस कुछ ना करने वाले बंदे का स्केड्यूल इतना टाइट रहता है ना कि एक दिन में वो 2500 से 3000 क्लाइंट्स को हैंडल करता है, जिसमें से कुछ क्लाइंट्स तो इसके परमानेंट भी है। लेकिन यार, अपना सर खुजाने के बाद भी मुझे साला ये समझ में नहीं आया कि लोग फिर इसको हायर ही क्यों करते हैं। कुछ तो करता ही होगा ये। वेल, करता है ना, लोगों के अकेलेपन का साथी बनता है। किसी का दोस्त, किसी का हमदर्द, किसी का भाई, किसी की बेटी, और सॉरी बेटा, किसी का पार्ट टाइम बॉयफ्रेंड एटसेट्रा एटसेट्रा। पर बस फिर इनका दुख दर्द बांटता है और बदले में पैसे ले लेता है। नंबर 4, एयरपॉड निकला टट्टी से। दोस्तों, आपने एप्पल तो खूब खाए होंगे पता है मुझे, लेकिन क्या कभी आपने एप्पल का एयरपॉड खाया है? खा के देखो, आपको एप्पल कंपनी पर सच्चा वाला पक्का विश्वास हो जाएगा। अब आप सोचोगे कि ये क्या अनाप शनाप बके जा रहे हो तुम गौरव? तो मेरे भाई, ये 16 आने और 100% सच है, क्योंकि एक बंदे ने ठीक ऐसा ही किया है। दरअसल वो बंदा एक दिन गलती से नींद में एक एयरपॉड निकल गया। जब उसकी नींद खुली तो वो एयरपॉड ढूंढने लगा। बंदे ने पूरा कंबल बिस्तर छान लिया, पर फिर भी उसे वो एयरपॉड कहीं नहीं मिला। लेकिन फिर थोड़े ही देर बाद उसका एयरपॉड वाइब्रेट होने लगा। और तुम
मानोगे नहीं, इसके साथ उसका पेट भी वाइब्रेट होने लगा। और अब इसके बाद अगले ही दिन जब उसने अपने पेट का अल्ट्रासाउंड निकलवाया, तब पता चला कि वो एयरपोर्ट तो उसके पेट में छुपा हुआ है। और ये भाई साहब अपने कीमती एयरपोर्ट को निकालने के लिए जाकर सीधा कमोड़ में बैठ गए। एंड गेस व्हाट, अपनी टट्टी में उसका एप्पल का 100% टिकाऊ एयरपोर्ट उसे मिल गया, वो भी एकदम चालू कंडीशन में 41% बैटरी के साथ। मतलब देख रहे हो बंदे का एप्पल कंपनी पर कितना विश्वास है। एक बार जो एप्पल कंपनी ने गारंटी दे दी तो उसके बाद वो अपने आप की भी नहीं सुनता है। नंबर 5, लड़कियों का नया आम रक्षक। ब्रेकिंग न्यूज फ्रेंड्स, अब लड़कियों का नेल पेंट बनेगा उनका बॉडीगार्ड। कैसे? चलो बताता हूँ। नॉर्थ कैरोलिना के 4 स्टूडेंट्स ने मिलकर एक ऐसा नेल पेंट बनाया जो किसी भी ड्रग के कॉन्टेक्ट में आते ही अपना रंग बदल देगा। यानी अगर कोई लड़कियों को डेट पर ले जाने के बहाने उनके किसी ड्रिंक में नशीले ड्रग्स मिलाकर उनका फायदा उठाना चाहता है, तो ये नेल पेंट लगाने के बाद उनके घिनौने मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। क्योंकि ड्रिंक में नेल पेंट डिप करते ही अगर नेल पेंट का कलर किसी भी दूसरे रंग में बदल जाए तो लड़की पुलिस बुला देगी और तुमको पुलिस की लाठी धपाधप पड़ेगी। नंबर 6, 2 रुपीस वाले टीचर। अब दोस्तों, क्या कभी तुमने किसी स्कूल की या किसी टीचर की फीस 2 रुपीस, वो भी पर ईयर? मतलब यार 2 रुपीस वाला तो आजकल पेन भी मिलना बंद हो गया साला। लेकिन आज भी एक मास्टर साहब है जो 2 रुपीस पर ईयर में 350 से भी ज्यादा बच्चों को पढ़ाते हैं। वो महान मास्टर जी और कोई नहीं बल्कि 77 ईयर्स के सुजीत चट्टोपाध्याय हैं, जो कोलकाता के बर्दवान में स्थित एक ऑसग्राम नाम के एक छोटे से गांव में एक छोटी सी पाठशाला खोलकर गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। इनफैक्ट इनके पास पढ़ने के लिए बच्चे तो दूर दूर से 25 से 35 किलोमीटर तक का रास्ता साइकिल चलाकर तय करते हैं। एंड मोस्टली इनके स्टूडेंट्स आदिवासी परिवारों से आते हैं जहाँ पढ़ाई लिखाई तो ना के बराबर है और लड़कियों को तो पढ़ाना तक दूर की बात है। तो बस ऐसे ही बच्चे और बच्चियों को पढ़ाने और आगे बढ़ाने के लिए ये 2 रुपीस पर ईयर की पगार में अपनी रोजी रोटी अर्न करते हैं। और इनके इसी मेहनत और सोशल अचीवमेंट को सम्मानित करने के लिए गवर्नमेंट ने इन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा है। ऐसे मास्टर जी सभी को मिले, क्योंकि जब बढ़ेगा रूरल इंडिया तभी तो बढ़ेगा पूरा इंडिया। नंबर 7, खौफनाक मौत की दस्तक। अब फ्रेंड्स, क्या किसी इंसान को आप बिना छुए, बिना कोई सजा दिए या फिर बिना कोई जहर दिए मार सकते हो? ये कैसे पॉसिबल है? लेकिन 1014 AD में ऐसा हुआ था। बाइजेंटाइन एम्परर ने बुल्गेरियन एम्परर को बिना छुए ही मार गिराया। दरअसल बाइजेंटाइन और बुल्गेरियंस की लड़ाई में बुल्गेरियन आर्मी की बुरी तरह से हार हुई और इस हार पर बाइजेंटाइन के राजा ने बुल्गेरियन आर्मी के सारे सैनिकों को बंदी बना लिया। लेकिन अब आता है कहानी में मेन ट्विस्ट। ये राजा सारे बंदियों को 100-100 की टुकड़ी में डिवाइड करता है और हर टुकड़ी के पहले 99 सैनिकों को वो एक एक करके अंधा करता है और 100th सैनिक का सिर्फ एक ही आंख निकालता है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक ही आंख क्यों? Well, वो इसीलिए ताकि 100th सैनिक अपनी एक आंख से बाकी के अंधे 99 सैनिकों को रास्ता दिखाकर अपनी गंदी हार की अंधी निशानी लेकर बुल्गेरियन राजा के पास जा सके। ठीक वैसा जैसे बाइजेंटाइन का क्रूर राजा चाहता था। और आप बिलीव नहीं करोगे, पर जब बुल्गेरियन राजा ने अपने हजारों सैनिकों को अंधा देखा तब वो ये सदमा बर्दाश्त ही नहीं कर पाया। मतलब जब सैनिक ही अंधे हैं तो कैसे होगी तख्त की रखवाली? पर ये सोचते सोचते ही कुछ दिनों में उसे दिल का दौरा पड़ा और वो तख्त छोड़कर स्वर्ग सिधार गया। नंबर 8, किसान का खुद का देश। अब फ्रेंड्स, अगर मैं कहूं कि किसान ने सरकार से खुद का एक देश ही मांग लिया और आज वो उस देश का राजा है, तो क्या तुम मानोगे? वेल, मानना चाहो या न मानना चाहो, लेकिन फैक्ट तो यही है। एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया के किसान ने सरकार के सामने आंदोलन छेड़ दिया उसकी 75 स्क्वायर किलोमीटर में फैली जमीन को एक देश घोषित करने की। कौन करता है यार ऐसा? और जरा सोचो क्या किया होगा यहाँ की गवर्नमेंट ने। ऑब्वियसली यार कुछ भी डिमांड थोड़ी ना सरकार मानेगी, पर फिर भी वो बंदा जिला कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया। लेकिन अफसोस उसकी सुनवाई नहीं हुई। बस फिर क्या था, बंदे ने खुद ही अपना स्टैम्प बनवाया, खुद ही अपना सिक्का बनवाया और खुद को वहाँ का राजा भी घोषित कर दिया। और आज भी ये छोटी सी सेमिनेशन कंपनी ऑस्ट्रेलिया में एग्जिस्ट करती है। इसका नाम है हट रिवर प्रोविंस और उस जिद्दी किसान और सेल्फ मेड राजा का नाम लियोनार्ड जॉर्ज कैसली है। वैसे आपके जानकारी के लिए एम्फसाइज करके ये बता दूं, ये देश गवर्नमेंट ऑफिशियली बिल्कुल भी रिकॉग्नाइज नहीं करती है। नंबर 9, सुइसाइड करने वाले प्राणी। अब फ्रेंड्स, क्या आपने कभी किसी जानवर को जान बचाने के लिए सुइसाइड करते हुए देखा है? मतलब जान बचानी है तो सुइसाइड क्यों करें? Isn't that counterproductive? लेकिन दुनिया में एक ऐसी चींटी की प्रजाति है जिनको अगर जरा भी भनक पड़ जाए कि दुश्मन कॉलोनी इनके कॉलोनी पर हल्ला बोल करने वाली है, तो ये सीधा अपने पेट की चुप करके फाड़ देते हैं और खुद मौत के घाट उतर जाते हैं। लेकिन
वेट वेट वेट, ऐसा करने पर इनके पेट में से ये पीले रंग का लिक्विड सेक्रीट होता है, जिसको अगर सूंघा जाए तो बॉस आपकी आंखों से पानी आ जाएगा। इसकी स्मेल एकदम स्पाइसी होती है और साथ ही ये इतनी जहरीली होती है कि हमला करने वाले दुश्मन इस बदबू में घुट कर या तो मर जाते हैं या तुरंत 9-2-11 हो जाते हैं वहाँ से। और तो और, रिसर्चर्स ने हाल ही में सीटी की प्रजाति के बारे में पता लगाया और इनके सेल्फ बर्स्टिंग और सेल्फ सुइसाइड वाले नेचर को मद्देनजर रखते हुए इन्हें एक्सप्लोजिव एंट्स का नाम दिया है। लेकिन यहाँ पर भी सारे एक्सप्लोजिव एंट्स अपना पेट नहीं फोड़ते, सिर्फ माइनर वर्कर एंट्स फोड़ते हैं, यानी रक्षा करने वाले एंट्स ही अपने जान की कुर्बानी देकर अपने कुल की रक्षा करते हैं। इंटरेस्टिंग, राइट? सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स। नाउ इट्स रिडल रिडल टाइम। मैं पूछूंगा आपको सवाल और आप दोगे मुझे उसका जवाब। सो मुझे बताओ, ऐसे कौन सी दो कीज है जिनसे कोई दरवाजा नहीं खुल सकता? इसका जवाब तुम दोगे मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में, और अगर जवाब सही है तो तुम्हें मेरी तरफ से एक हार्ट मिलेगा। और फ्रेंड्स, अगर आप नए हो इस चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, ताकि धीरे धीरे करके आप अपनी नॉलेज इसी तरह बढ़ाते रह सको। और यार, आज ही के हमारे फैक्ट में से जापान के बारे में आपने जाना, एक बंदा कुछ नहीं करके भी अच्छा खासा कमा लेता है। तो यार, यहाँ पर तो मैं डेली वीडियो डाल रहा हूँ, एक लाइक तो बनता ही है यार। रुके किस लिए, उठो को लाइक बटन। एंड सी यू इन अनदर वीडियो। टिल देन, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।